गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नाइफ फ्रेंड्स पार्ट टू में आप सभी बच्चों का स्वागत है। माँ घरेलू कामों में व्यस्त थी और पिताजी अपने किताबों में। बच्चे को खुद से ही सवाल जवाब करके संतुष्ट होना पड़ता था। इस कड़ी में श्यामा पूछती है, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? भैया मुझे बताओ कि जैसे ही वो अंडे से बाहर आएंगे, क्या वो चूजे उड़ना प्रारंभ कर देंगे? नो सिली, अरे नहीं बेवकूफ, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। केशव जवाब दिया, अपने आप को एक जानकार के रूप में, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए एक जानकार के रूप में। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनके पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कि बिना पंख के वो बेचारे कैसे उड़ सकेंगे? श्यामा फिर पूछती है कि व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, कि भैया कि वो बेचारी चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी? दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर, यह केशव के लिए पेचीदा सवाल था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड द चिल्ड्रेंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, कपल ऑफ डेज, दो चार दिन बीतता गया और बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स, वे अंडे को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। दे वेयर सर्टेन दैट दे हैच्ड बाय देन, उन्हें ऐसा लग गया था कि अंडे हैच्ड हो गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेग्ड हैवली ऑन देयर माइंड्स, अब यह प्रश्न उनके दिमाग में था कि जब वो बच्चे बाहर आ जाएंगे तो वो क्या खाएंगे, यह उनके दिमाग में बड़ा कौतूहल था, वो सोच नहीं पा रहे थे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, बेचारे उन नवजात बच्चों को खिलाने के लिए बेचारी चिड़िया इतने अनाज कहाँ से लाएगी? द चिक्स वेयर श्योर टू स्टैप टू डेथ, कि अगर ऐसा ना हो सका तो बेचारे वो चूजे भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस, यह उन दोनों बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू स्कैटर सम ग्रेन ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, कुछ अनाज के दाने छीट देने के लिए जिसे चिड़िया चुन सकेगी। श्यामा सेड हैप्पी, श्यामा ने खुशी से कहा, ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनी वेयर इन सर्च ऑफ फूड, तब तो चिड़िया को वहां पर किसी भी दूसरी जगह पर भोजन के खोज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। विल सी, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, ऐसा होगा ना? ओ नो सेड केशव, हाँ बिल्कुल, केशव ने कहा, वाई शुड सी, क्यों हो जाएगी? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, लेकिन क्या उस गर्मी के समय में जो छज्जे पर जो गर्मी है, क्या वो बच्चे बहुत एकदम गर्मी से परेशान नहीं हो जाएंगे? अ नैरो वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, श्यामा के दिमाग में फिर से एक नया सवाल गूंजता है। केशव हैड नो थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, केशव को इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिल पाया था। यस ही सेड, लिखा हाँ, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ द थर्स्ट ऑफ देयर, कि अगर ऐसा हुआ तो बेचारे प्यास से ही मर जाएंगे। देयर इज नो सेड अबव देम, कि वहां तो अभी किसी भी तरह का कोई छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड, यह फाइनली निश्चय किया गया, दैट ए मैक्सिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, कि घोंसले के ऊपर एक काम चलाओ छत तैयार किया जाए। द प्रपोजल फॉर ए बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड, और यह प्रस्ताव भी आया कि कटोरे में पानी और चावल के कुछ दाने भी मंजूरी मिली कि उसको भी ला करके वहाँ पर रखा जाए। बोथ चिल्ड्रेन बिगेन टू वर्क इन अर्नेस्ट, दोनों बच्चे इस ओर गंभीरता से प्रयास करना शुरू कर दिए। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन से श्यामा कुछ चावल के दाने ले आए। केशव सीक्रेटली इम्पिटेड द स्टोन बॉल ऑफ ऑयल, और केशव एकदम गुप्त तरीके से जो पत्थर का जो कटोरा था जिसमें तेल रखा जाता था उसको ले आया। स्क्रब इट क्लीन, रगड़ करके उसे साफ किया, एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और उसे पानी से भरा। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन अब कपड़ा कहाँ से लाया जाए उनके शेल्टर के लिए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और छज्जा कैसे बनाया जाए, छत कैसे बनाया जाए बिना सपोर्ट का। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल,
केशव इस समस्या पे उलझा, पर कुछ ही समय पश्चात बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसको समस्या का समाधान मिल गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ और कूड़े का जो बास्केट है उसे लेकर के आओ। मेक्स योर माँ डजंट सी यू, लेकिन देख लेना कहीं माँ देख ना ले तुमको। बट इट्स गॉट ए हॉल इन द मिडिल, लेकिन उसके बीच में तो छेद है। विल इट कीप द सन आउट, क्या वो उस सूरज की रोशनी को रोक सकेगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, अरे पहले जाओ ना और बास्केट लेकर के आओ। केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, केशव थोड़ा सा झिड़कते हुए उसे कहा। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, चलो मैं देखता हूँ उसे क्या करना है। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ते हुए गई और वो गार्बेज बास्केट को लेकर के आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर, और केशव क्या किया कि कुछ पेपर को उसमें लगा दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाई ट्री, और बगल के पेड़, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में यहाँ पे बगल के घर में पेड़ है और यहाँ इस पेड़ के कुछ टहनियों को वो लाता है और उस टहनियों से एक काम चलाऊ छत बनाता है और उस गार्बेज बास्केट को ऐसे लगाता है जैसे कि वो छाया के रूप में हो आ जाए। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, और देखो कैसे छाया पड़ रहा है उस घोंसले पर। द सन कैन नॉट गेट थ्रू नाउ, कि अब वहाँ पे सूरज की किरण नहीं पहुँच सकेगी। बच्चों अब कुछ कंप्रिहेंसिव के प्रश्न भी हैं, आप देख रहे हैं। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, उसका आंसर है द बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस ऑफ केशव्स हाउस। दूसरा सवाल है कि व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगॉट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी, तो इसका आंसर है द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द बर्ड्स मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। विच थॉट लेफ्ट द सिब्लिंग्स वेरी एंग्जियस, बच्चे को कौन सा सवाल परेशान करता है कि वेयर द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड देयर ब्रूड, यह उन दोनों बच्चे को यह सवाल काफी परेशान करता है। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।